के अगली खबर की बात करेंगे। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई। बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बमुश्किल बच्चों का रेस्क्यू किया। स्कूली बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। श्रीमती श्रीदेवी विद्यापीठ स्कूल की बस बताई जा रही है। थाना कागरोल क्षेत्र के मसिल्या से जयकारा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे की सूचना पर आसपास के तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हुए, बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर यह हादसा हुआ वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। मनोज चाहर जुड़ गए फोन लाइन पर संवाददाता। मनोज, कैसे हादसा हुआ है, फिलहाल अपडेट क्या है इस खबर पर, बच्चे क्या ठीक है? देखिए, ये थाना कागरोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहाँ सुबह तड़के जो स्कूली बस थी वो बच्चों को लेने गई थी, तो वहाँ जो रोड की जो मरम्मत कार्य चल रहा था, मरम्मत कार में मिट्टी डली हुई थी रोड पर, तो उसको बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, बस और वहीं पलट जाती है। बस में करीब 25 बच्चे सवार थे, जो जिनको जैसे ही बस पलटती है तो बच्चों के अंदर चीख पुकार मच जाती है। तो वहाँ जो ग्रामीण जो किसान थे जो खेतों में काम कर रहे थे, वो आनंद फानंद में दौड़ लगाते हैं और जो बच्चा है उनको रेस्क्यू कर बस से बाहर निकालते हैं। तो फिलहाल जो 25 बच्चे थे वो सकुशल हैं, और बस जो हादसा हुआ है तो मौके पर जो अभिभावक थे वो भी दौड़ लगा देते हैं। तो देखते देखते तमाम आसपास के जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लेते हैं। गनीमत ये रही कि जब बस पलटी तो उस समय वो कच्चा था, और कच्चे के दौरान बच्चों को कोई चोट नहीं हुआ और सभी सकुशल उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इसमें क्या लापरवाही कोई ड्राइवर की रही है या कोई वजह रही इस हादसे की, कैसे हादसा हुआ? देखिए, लापरवाही सबसे अधिक ये है कि जो अनट्रेंड जो ड्राइवर है उसका कोई ट्रेंड नहीं है, जो बिल्कुल बस जो चलाने लायक है उसको कोई क्षमता नहीं है। उसको उनको ड्राइवर रखे हुए है, जो स्कूल है वो श्रीदेवी जो आवासीय विद्यापीठ जो स्कूल है, जो पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के ब्रजेश शारदे उनका ये विद्यालय था, उनकी ये बस थी। तो वो बस में लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि कॉमर्शियल ड्राइवर पर लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइसेंस नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई ट्रेंड ऐसा ड्राइवर था जो बसों को संचालन किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यही हादसे लगातार ताजनगरी में देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से जो बसें अनफिट होकर जो परमिट नहीं है और अनफिट है वो लगातार दौड़ रही है, लेकिन प्रशासन है कि उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही है कि जब उसे मालूम था कि जो सामने गड्ढा है या मिट्टी है या गाड़ी डस सकती है पलट सकती है, तो उसको गाड़ी को नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक्सपीरियंस जो ड्राइवर को होना चाहिए था वो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये ड्राइवर की सूझबूझ या कोई ऐसा बड़ी घटना घटित होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी सामने आ सकती थी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनु चाहर तमाम।